हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए दोस्तों प्रॉपर मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो हम बात करते हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट है हमारा बॉटनी, और बॉटनी में बेटा हमारा इस टाइम चल रहा है फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने देखिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था जड़। अब इसके बाद ये देखिए चैप्टर टू है। हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर वालों के लिए 11 एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? बॉटनी। देखिए सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो देखिए चैप्टर है आपका टू। चैप्टर टू का नाम है तना। हमने जड़ पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तना, और अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा पत्ती का। तो देखिए तीनों चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा बेटे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए बेटे, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, बॉटनी, मैथ का सोल्यूशन चाहिए, तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और एक बात और भी आपको बता दूं, देखिए चैप्टर दो है। इस चैप्टर से ना तो 6 अंक का कोई क्वेश्चन बनेगा और ना बनेगा 4 अंक का क्वेश्चन। तो बनेगा कौन सा बेटा? 1 अंक का या 2 अंक का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो समझिए पूरा चैप्टर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत तनों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, यानी जो भूमिगत बेटा तने हैं उनके लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अगर हम आंसर की बात करें तो बेटा दोमट मिट्टी, ध्यान रखना दोमट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है अदरक, आलू, जंगली मटर, प्याज रूपांतरण है किसका। अब आपको ये बताना है कि ये जड़ का है, तने का है या किसी और चीज का है, लेकिन आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। देखिए अदरक, आलू, जंगली मटर, प्याज रूपांतरण है किसका। तो देखिए आंसर मैं आपको बता दूं, ये बेटा हो जाएगा तने का। किसका? तना का रूपांतरण है। अदरक तना है, आलू तना है, जंगली मटर तना है, प्याज भी आपका तना है। देखिए इसकी बेहतरीन ट्रिक बेटा मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको तना और जड़ कौन कौन से होते हैं सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको आनंद आएगा इस वीडियो में, सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जड़ तथा भूमिगत तना में अंतर। क्या कह रहा है? जड़ तथा भूमिगत तना में अंतर। बेटा जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बेटा आए हुए हैं आपके यूपी बोर्ड में, किसी ना किसी वर्ष सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जड़ में हम फर्स्ट पॉइंट को बेटा समझते हैं। देखिए जड़, इन पर पर्व तथा पर्व संधियाँ नहीं होती हैं। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ पे बेटा पर्व और पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती। अगर हम भूमिगत तना की बात करें तो देखिए इन पर पर्व एवं पर्व संधियाँ होती हैं, यानी पाई जाती हैं। अगला सेकंड पॉइंट है देखिए जड़ का, किसी भी प्रकार की पत्तियाँ नहीं होती, यानी जड़ की बात करें तो इन पर बेटा किसी भी प्रकार की पत्तियाँ नहीं होती। अगर हम तने की बात करें तो इनके देखिए पर्व संधियों से शल्क पत्र निकलते हैं जो सफ़ेद भूरे रंग की झिल्ली के समान होते हैं। अगला पॉइंट है जड़ में कलकाव का अभाव होता है। कलकाव का अभाव का मतलब है कमी, क्योंकि कलकाव की क्या होती है? जड़ पर कमी जड़ में। लेकिन भूमिगत तना की बात करें तो कलकाएं पाई जाती हैं। अगला देखिए पॉइंट है कि सीड्स पर मूल गोप व त्वचा पर मूल रोम होते हैं। त्वचा यानी स्किन पर क्या होता है? मूल रोम होते हैं। नेक्स्ट है इसमें भूमिगत तना में मूल गोप तथा मूल रोमों का क्या होता है? इसमें अभाव होता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो देखिए लास्ट तक आप वीडियो को देखना, आपको इस वीडियो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और इसकी ट्रिक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से कैसे आप याद रखोगे। चलिए चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है तने के कार्य, क्योंकि हमारा जो चैप्टर दो है वो है बेटा तना, और तना हम जब पढ़ें तो तना के कार्य ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए तना पढ़ रहे हैं हम, तना के कार्य को तो हमें बेटा पता होना चाहिए। तो देखिए तना के कार्यों को समझते हैं, तना का काम क्या होता है, उसका कार्य है क्या।
तो समझिए बेटा, देखिए तना पत्तियों और शाखाओं को सहारा देता है। तने का क्या कार्य होता है, तो फर्स्ट पॉइंट समझिए, तना जो होता है वो पत्तियों और शाखाओं को बेटा सहारा देता है। दूसरा पॉइंट, शाकीय हरा, कैसा शाकीय हरा तना भोजन निर्माण करता है। जो शाकीय हरा तना है वो क्या करता है, भोजन निर्माण करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो तना जड़ द्वारा अवशोषित जल, जो तना है वो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जो खनिज लवण है, जल है, उनको क्या करता है, वो पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सपोज दैट देखिए ये आपका तना, ये आपका पौधा है। अब पौधे में कौन सा तना है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि तना इसमें कौन सा है। सपोज दैट यही समझ लीजिए आप, इन्हीं से मैं बना दे रहा हूं। देखिए सपोज दैट ये प्लांट है, तो जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बेटा आपका तना है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका रूट है यानी जड़ है। तो आप समझ गए होंगे जो तना है वो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला जो पॉइंट है, देखिए रूपांतरित तना भोजन संचय करता है। क्या करता है, रूपांतरित तना भोजन का संचय करता है। अगला पॉइंट, पत्तियों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जड़ तक विकसित करता है, यानी जो पत्तियों में कार्बनिक भोज्य पदार्थ है उसको जड़ तक क्या करता है, विकसित करता है। तो बेटा ये पांच पॉइंट है तने के कार्य। चलते हैं बेटे आगे की ओर, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। चलिए बेटे अगली जो हेडिंग है हमारी वो है प्याज के तने की विशेषताएं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्याज के तने की विशेषताएं क्या है, तो प्याज के तने की विशेषताओं को समझिए। देखिए प्याज के तने की विशेषता क्या है, कायिक अवस्था में, कैसी अवस्था में बेटा, कायिक अवस्था में प्याज का तना प्रायः संक्षिप्त होता है। कैसा होता है, कायिक स्टेज जब आती है तो उसमें प्याज का जो तना है वो प्रायः संक्षिप्त होता है, तथा शल्ककंद निर्मित करता है। शल्ककंद का क्या करता है, निर्माण करता है, निर्मित करता है। जनन काल में यह एक पुष्पाक्ष के रूप में, जनन काल में क्या, यह एक पुष्पाक्ष के रूप में बढ़कर पुष्पक्रम को धारण करता है। तो ये बेटा प्याज के तने की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, प्रलाप स्तंभ तथा प्रलाप पर्व में अंतर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रलाप स्तंभ तथा प्रलाप पर्व में अंतर, इसे समझ लीजिए थोड़ा। देखिए प्रलाप स्तंभ तथा प्रलाप पर्व दोनों तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण बेटा, बेटा तने का। देखिए प्रलाप स्तंभ तथा प्रलाप पर्व दोनों ही किसका रूपांतरण है, तने का। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसमें प्रलाप स्तंभ में कई पर्व, किसमें, ये जो प्रलाप स्तंभ है ना इसमें बेटा कई पर्व, इसमें कई पर्व तथा जो पर्व संधियां हैं, कई पर्व तथा पर्व संधियां तथा प्रलाप पर्व में एक ही, जो आपका ये है प्रलाप पर्व, इसमें इसमें एक ही पर्व होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो प्रलाप स्तंभ तथा प्रलाप पर्व है ये दोनों किसका रूपांतरण है बेटा, तने का रूपांतरण है। इसके बाद आपको बताना है जो प्रलाप स्तंभ है, इस स्तंभ में कई पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं, जबकि प्रलाप पर्व में एक ही पर्व होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। तना और जड़ क्या क्या होते हैं, इसकी ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैं समझाऊंगा बेटा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में हमेशा हमेशा आपसे पूछा जाएगा, यहाँ नहीं तो कंपटीशन में सही, लेकिन ट्रिक बहुत बेहतरीन है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं आगे की ओर, चलिए बेटे अगले क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। टॉपिक से हमारा देखिए प्रकंद तथा घनकंद, प्रकंद तथा घनकंद में चाहे तो बेटा अंतर आए या वो अलग अलग करके पूछ ले आपसे कि घनकंद क्या होता है या प्रकंद क्या होता है, चाहे वो अलग अलग करके पूछे चाहे वो इसका अंतर पूछे, हमें याद तो उतना ही करना है। अगर वो अंतर पूछेगा तो दोनों पॉइंट हम आमने सामने रख देंगे, अगर वो अलग अलग करके पूछेगा एक पे टिप्पणी लिखवाएगा, वो कहने लगा आपसे कि आप प्रकंद पर टिप्पणी लिखिए, तो बेटा ये सारे पॉइंट आप प्रकंद पर टिप्पणी में लिख सकते हो। वो कहे आपसे घनकंद पर टिप्पणी लिखिए, तो आप यही पॉइंट डाल के टिप्पणी के रूप में लिख सकते हो। तो इस पॉइंट को आराम से समझिए, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, देखिए समझिए इसे। यानी क्वेश्चन है हमारा प्रकंद तथा घनकंद,
में अंतर की बात कर रहा है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है प्रकंद का, मैं क्या कहना है समझिए। प्रकंद में फर्स्ट पॉइंट है, यह मृदा में क्षैतिज रूप में बढ़ता है। ठीक है, किस रूप में? क्षैतिज रूप में बढ़ता है। अगर मिट्टी की बात करें प्रकंद, तो जो प्रकंद है वो मिट्टी के अंदर क्षैतिज रूप में बढ़ता है, जबकि घनकंद क्षैतिज रूप में नहीं बढ़ता। घनकंद बढ़ता है ऊर्ध्वाधर रूप में। किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में। ये देखिए, यह भूमि में ऊर्ध्वाधर बढ़ता रहता है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रकंद की सेकंड पॉइंट की। तो देखिए, यह आकार में चपटे या बेलनाकार होते हैं। जो प्रकंद के एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, वो सब कैसे होंगे? आकार की बात कर रहे हैं अब, आकार में चपटे होंगे या बेलनाकार होंगे। नेक्स्ट है घनकंद। तो घनकंद की बात करें तो इसमें क्या है, यह आकार में प्रायः बेलनाकार या गोल होंगे, गोल होंगे और बेलनाकार होंगे, लेकिन चपटे नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए चपटे है, किसकी जगह? चपटे की जगह यहाँ पे गोल आ गया, बेलनाकार दोनों में कॉमन है। तो आपको ध्यान रखना है घनकंद में यह आकार में प्रायः बेलनाकार या गोल होते हैं। तो आपको दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट देखिए, आपने प्रकंद में पढ़ा कि यह क्षैतिज या भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि यह बेलनाकार तथा चपटे होते हैं, जबकि घनकंद के अंदर आपने पढ़ा कि यह भूमि में ऊर्ध्वाधर दिशा में आगे बढ़ता रहता है। तथा दूसरा पॉइंट आपने देखिए पढ़ा कि यह बेलनाकार तथा गोल होते हैं। ये देखिए, अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की। जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें समझिए, प्रकंद में पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जो इसमें पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियां, उनसे क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अगर हम घनकंद की बात करें तो देखिए, अधिकतर जड़ें आधारीय भाग से निकलती हैं। अधिकतर इसमें जड़ें किस भाग से निकलती हैं? आधारीय भाग से निकलती हैं। अब थोड़ा सा प्रकंद और घनकंद के एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, प्रकंद के एग्जाम्पल बेटा अदरक हैं। क्या है? अदरक, हल्दी, केला, ETC आदि, कुछ भी हो सकता है। आगे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अदरक, हल्दी और केला कैसे आए? प्रकंद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें हम घनकंद की, तो घनकंद में आप समझ लीजिए, देखिए जिमीकंद, घुया, घुया को बेटा अरबी भी बोलते हैं। जिमीकंद और घुया घनकंद के एग्जाम्पल हैं। अब बेटा अगली ट्रिक हमारी पड़ेगी, वो पढ़ेंगे हम तना वाले पौधे, बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को अगर वीडियो लाइक करते हो, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है, जब आप लाइक करोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है और बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो देखिए, मैं भी बहुत आपके मन से पढ़ाऊँगा आपके लिए, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा। जब मुझे देखिए रिस्पांस नहीं मिलता है, तो बेटा निराशा हाथ लगती है, कोई भी टीचर हुआ एक्स वाई जेड। इसलिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। चलिए बेटे, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा तना वाली फसलें। क्या है? तना वाली फसलें। तो बेटा, तना वाली फसलें के लिए हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ बेहतरीन, जिसके माध्यम से हमेशा आपको तना और जड़ के बारे में अंतर समझ में आता रहेगा। देखिए, एक आपने मूवी देखी हद कर दी आपने, क्या? हद कर दी आपने। अब इस ट्रिक को आराम से समझिए। देखिए, हद से आपको ध्यान रखना है बेटा, पहला हद उठा लो, इससे ध्यान रखना है। देखिए हल्दी, अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी क्या है? तना है। अब देखिए कर से आपको ध्यान रखनी है बेटा, देखिए आ गया कर, तो कर से ध्यान रखनी है आपको केसर। केसर क्या चीज़ है आपका? ये भी बेटा तना है। इसके बाद देखिए हद कर दी, तो आपको दी से ध्यान रखना है, दी, तो दी से ध्यान रखना है आदि। देखिए आदि हम किससे के लिए कहते हैं? आदि बोलते हैं देखिए अदरक के लिए, अदरक को हम आदि भी बोलते हैं, आदि, आदि से ध्यान रखना है आपको अदरक। अदरक क्या है बेटा? एक तना है। दूसरा है आपका क्या आ जाएगा? अब आ, क्या आ गया? आ, तो आ से ध्यान रखना है आपको बेटा आलू। आ से क्या ध्यान रखना है आपको? आलू, और आलू क्या है? तना।
ये बेटा आलू बहुत पूछा जाता है, ये आप आराम से ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अदरक भी इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आपका बचा देखिए पा, आप ने आपका साइलेंट रहेगा, देखिए ने मैं अलग कर दे रहा हूँ, आप ने, तो ने आपका रहेगा साइलेंट। पा से देखिए आपको ध्यान रखना है बेटा प्याज, तो प्याज क्या है वो भी तना है। देखिए कितने आराम से बेटा हमने सीख लिया ट्रिक के माध्यम से। अगर इसमें से कुछ भी फंस जाए विकल्प के अंदर, ऑप्शन के अंदर, और आपसे पूछे कि ये आप बताइए कि जो आलू है वो तना है या जड़ है, तो तुरंत आप ट्रिक में फंसा लेना, आलू तुरंत कैसा है, एक तना है। अब मैं थोड़ी सी जड़ के बारे में नॉलेज देता हूँ बेटा, इनके अलावा कोई भी आ जाए तो वो जड़ होगा। जड़ देखिए किस प्रकार से होगा, मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट्स दे दे रहा हूँ। देखिए कुछ फसलें ऐसी होंगी जो ऊपर से क्या होंगी, इस प्रकार की, जो ऊपर से नीचे की ओर नुकीली टाइप की होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर कैसी होती है, नुकीली होती हैं, और इन पे बेटे रेशे होते हैं, वो सब कैसी फसलें होती हैं, जड़े वाली फसलें होती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर नुकीली होंगी इस प्रकार से, और रेशे होंगे। कुछ ऐसी होंगी जो बीच में मोटा होगा, ऊपरी भाग थोड़ा सा पतला होगा, और इसमें रेशे निकले होंगे, ये सब क्या होंगी, जड़ होंगी, यानी रेशे प्रदान करने वाली, और ऊपर से मोटी नीचे नुकीली टाइप की, सब क्या होंगी, जड़े होंगी। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मूली, गाजर, शलजम, ETC, ये सब क्या है, जड़े हैं। तो आपने देखिए कितने आराम से जड़ और तना को अच्छे से समझ लिया। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए ये बॉटनी है, बॉटनी में बेटा लास्ट यूनिट ही चल रही है आपकी, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, यूनिट 1 चल रही है, 1 यूनिट में टोटल 10 चैप्टर थे, और किसी किसी बुक में तो 9 चैप्टर ही दिखा रहा, तो इसके बाद आपके मात्र 5 या 6 चैप्टर बचे हैं, बकाया 30% के सिलेबस में हट गया। तो देखिए हमने पहला चैप्टर पढ़ा जड़, दूसरा चैप्टर आज इस वीडियो में पढ़ा तना, और कल जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पत्ती, यानी पौधे के जड़, तना, पत्ती, तीनों हम टॉपिक्स पढ़ लेंगे। फर्स्ट जो यूनिट है इससे कोई भी लॉन्ग कभी भी नहीं बनेगा, बनेगा क्या बनेगा, एक नंबर का या दो नंबर का, ना तो इससे 4 अंक का कोई आएगा, ना आएगा इससे 6 अंक का। तो देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957, आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।